आज हम बनाएंगे हरी मटर का निमोना, जो कि यूपी और बिहार में फेमस है। और ये खासकर सर्दियों में ही बनाया जाता है, क्योंकि सर्दियों में ताज़ी ताज़ी हरी मटर आती है और ताज़ी मटर का निमोना ही अच्छा बनता है। और इसे अगर आप चावल के साथ खाएंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉली और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। मटर का निमोना बनाने के लिए गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। तो मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। अब ऑयल को हम गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप हरी मटर और मटर को हम हल्का सा भूनेंगे। मटर हमारी अच्छे से भून गई है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। मटर को अगर आप हल्का सा भून के निमोना बनाएंगे तो आपको जो निमोना है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब इसे हमें पीसना है, तो हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं, लेकिन हम इसे दरदरा ही पीसेंगे और पीस के इसको अलग रख लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम फिर से 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे और यहाँ मैंने एक आलू लिया है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, तो इसको भी हम हल्का सा भून लेते हैं और इसे भी निकाल लेंगे। तो हमने आलू भी भून लिए हैं। अब हम निमोना का मसाला भूनेंगे, तो इसके लिए हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल और इसके बाद हम डालेंगे ज़ीरा। तो यहाँ मैंने 1/4 छोटा चम्मच ज़ीरा लिया है और थोड़ी सी हींग डाली है। अब इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, तो यहाँ मैंने 1 प्याज ली है और उसे मैंने चॉप कर लिया है, तो इसे हम डाल देते हैं। प्याज को हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि ये गुलाबी कलर की ना हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी हम हल्का सा भूनेंगे। इसके बाद जो हमें इसमें मसाले डालने हैं, पहले उसका हम घोल बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसमें हम पानी मिलाएंगे और पानी मिला के इसका हम घोल तैयार करेंगे। सारे मसालों को हमने पानी में अच्छे से मिला लिया है, तो इसे हम डाल देंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा तब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने 1 टमाटर लिया है और इसे मिक्सी में पीस लिया है और इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। जब टमाटर हमारा भून जाएगा तब इसमें हम डालेंगे नमक और इसे अच्छे से मिला लीजिए। जो हमने मटर पीस के रखी थी अब उसे हम डालेंगे। और यहाँ हमने मटर को दरदरा पीसा है, क्योंकि निमोना में जो मटर है वो दरदरी ही पीसी जाती है, इसको महीन नहीं पीसा जाता, तभी निमोना जो है वो अच्छा बनता है। अब हम इसमें डालेंगे आलू जो कि हमने भून के रखे थे, और इसे हम मसाले में अच्छे से मिला लेंगे। जब आलू मसाले में अच्छे से मिल जाएगा तब इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद में इसे अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद हम इसे ढक देंगे और ढक कर हम मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। हमारा निमोना अच्छे से पक चुका है और इसकी ग्रेवी है वो भी गाढ़ी हो गई है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और गरम मसाला डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हमारा जो निमोना है बनके तैयार है और इसे हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म चावल के साथ, क्योंकि निमोना जो है वो चावल के साथ ही खाने में अच्छा लगता है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर दीजिए।